So, hello everyone, my name is Yash Maheshwari and today we have with ourselves Abhitatha Roy. ये हमारे एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ क्लास 12th में थोड़ी सी तैयारी की थी एंड देन CUET की प्रिपरेशन की थी एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ही वॉज वन ऑफ देम जिसका सिलेक्शन CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर BTech के लिए एडमिशन हुआ. इनका एडमिशन एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ था वेस्ट बंगाल में WBJEE के थ्रू, बट इन्होंने CIEC दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आज इनसे हम बात करेंगे CIC के बारे में बिकॉज इट इज वेल नोन दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो CUET के थ्रू आपको मिलता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें बीटेक करने को मिल रहा है. इसमें जो बीटेक करने को मिल रहा है वो ITML में मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल लर्निंग. सो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मिल रहा है तो मैथमेटिकल इनसे आज इनोवेशंस। शेयर मैथमेटिकल इनोवेशन सॉरी या मैथमेटिकल इनोवेशन. तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके की अभी तक की इनकी जर्नी रही है. और सो अभी तथा प्लीज आप बताइए अभी आप कौन से सेमेस्टर में आ चुके हैं और कैसी जर्नी रही आपकी एज अ स्टूडेंट इन CIC. सो थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। अभी मैं सेमेस्टर 2 में आया हूँ फिलहाल, और एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। आसपास की एक्सपोजर अच्छा है, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं और कुछ करना चाहते हैं, और टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। और इतने हम्बल सीनियर मैं लास्ट स्कूल में देखा था मेरे, और उसके बाद मैंने CIC में देखा। तो जैसे कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कनेक्ट करके कि सीनियर्स कैसे हैं, रैगिंग वैगिंग तो नहीं होता, नहीं ऐसी कोई कल्चर यहाँ पे नहीं है, और इतना कोऑपरेटिव सीनियर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे शायद। अरे वाह, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट. ओके सो सीनियर्स आपके बहुत अच्छे हैं ये आपने बताया और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे. तो पढ़ने लिखने का कैसा माहौल है, पार्टी शार्टी का कैसा माहौल है और बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो वो सारी चीजें कैसी हैं यहाँ पे. वैसे पढ़ाई का माहौल अच्छा है डेफिनेटली, और क्योंकि हमारे यहाँ पे मैन पावर कम है थोड़ा, तो बाकी कॉलेजेस, बाकी DU कॉलेजेस की तुलना में भी इवेंट्स कम होते हैं, पर जब होते हैं तब हम मतलब पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं और फुल एनर्जी से जितना भी हो सके वो हम करते हैं। जैसे मार्च में हमारा टेक फेस्ट भी होगा जिसको कॉन्वो कहते हैं, 6th एडिशन होगा, तो उसमें भी हम बहुत मजे करेंगे और बहुत कुछ प्लान्स भी है, बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने की। तो जितना हो सके हमसे उतना हम करते हैं, क्योंकि मैन पावर कम है तो थोड़ा कम होते हैं इवेंट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि मजे कम है। और वैसे हमें पढ़ने भी अच्छा ही लगता है, तो नॉट एन इश्यू एट ऑल। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट. अच्छा अभी तथा प्लीज जरा जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो हम लोग की ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए थे CUET एग्जामिनेशन में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में जिसके थ्रू आपको CIC में एडमिशन मिला. जो आपके CIC के साथ वाले बैच वाले होंगे उसमें मिनिमम कितने मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ है अगर इसके बारे में आपको बताए तो प्लीज शेयर कीजिए. हाँ, तो मैं पहले बता दूँ, CIC में बीटेक करने के लिए 3 पेपर्स देना होता है, एक है इंग्लिश, एक है मैथमेटिक्स और एक है जनरल टेस्ट। और टोटल 650 मार्क्स में, आउट ऑफ 650 मार्क्स हमारे जो मेरिट लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। मेरे मार्क्स थे 588 आउट ऑफ 650, और बाद में मैंने कोशिश किया था कि कट ऑफ की थोड़ा आइडिया लगाया जाए राउंड 3 तक, बाकी स्पॉट राउंड का मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको जैसे इस बार 560 प्लस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, पर आप टारगेट करके चलिए कि 570 प्लस में हो जाना चाहिए। वैसे टारगेट तो हमेशा करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना हम कर लें। राइट और रिजर्व कैटेगरी की बात अगर करें तो लास्ट अराउंड 500 मार्क्स में भी इस बार एडमिशन हुआ था, पर ये डेटा थोड़ा मतलब एनोमैलस है क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं, इस बार हो गया था। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप इस भरोसे मत चलिए कि आप 500 प्लस लाओगे तो आपका कंफर्म्ड है। आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपको ज्यादा मार्क्स आए। तो राइट दैट्स फॉर द डेफिनेटली कट ऑफ का विषय है। ओके डेफिनेटली. सो जी तो कैसे तैयारी की थी अभी तथा आपने क्लास 12 के बाद से प्रिपरेशन करनी शुरू की थी जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था उसमें या आप 12th के साथ साथ 11th के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे. नहीं, मैं बोर्ड के साथ साथ प्रिपेयर नहीं कर रहा था। माय मेन फोकस वाज ऑन द बोर्ड एग्जाम्स ओनली,
और ड्यू टू वेरियस रीजंस मैं उस टाइम पे कंपिटेटिव को पूरा छोड़ दिया था, आप कह सकते हो साइडलाइन कर दिया था फ्रॉम मे 2022 क्लास 12th में। लेकिन मैंने सीयूईटी इसलिए भरा था क्योंकि उसका उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हमें मिलेंगे और मुझे लगा कि हाँ अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो मैं कर लूंगा। तो वो जो 2 महीने का क्रैश कोर्स था तो रिगरस प्रैक्टिस मैंने उसी में किया था। बाकी 2 साल का जो बोर्ड लेवल प्रिपरेशन था उसके माध्यम से भी मुझे बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितना होना था वो हुआ था, पर ये जो रिगरस प्रैक्टिस था वो मैंने सीयूईटी के लिए इस 2 महीने में ही किया था आपके क्रैश कोर्स से, और उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं आज क्या राइट, है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी तक किस तरीके से आपने मैनेज किया था? सो लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहा है, बोर्ड्स के बाद ही प्लानिंग किया मुझे एक अच्छा बीटेक कॉलेज मिल जाए, और उस अच्छे बीटेक कॉलेज में डेफिनेटली सीयूईटी का सीआईसी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो मिल सकता है अभी के लिए, तो इसके लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की थी इन 2 महीने में? व्हाट वाज योर स्टडी स्ट्रेटजी? व्हाट वाज योर शेड्यूल? कितनी देर आप जीटी पढ़ते थे? कितनी देर आप इंग्लिश पढ़ते थे? कितनी देर आप मैथ्स पढ़ते थे? क्या आप टाइम देख के करते थे या टॉपिक्स देख के तैयार करते थे? किस तरीके से आपने किया? मॉक्स का क्या उसमें रोल रहा, इसके बारे में प्लीज बताइए। जैसे टाइम मेरे लिए टाइम कभी वैसे फिक्स था नहीं टेक्निकली। पहले अगर मॉक्स का मैं बता दूं तो मॉक टेस्ट भी एक तरीके के फाइनल एग्जाम की तरह ही होता है। तो मॉक्स देने से हमें ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक वीक है, किसके ऊपर हमें काम करना है, और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और टाइम को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए मॉक्स देना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कोचिंग के साथ जुड़ते हो तो वो आपको कोई किताब देंगे या आपको टेस्ट सीरीज देंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तो ये इंक्लूसिव होता है उसके साथ। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो टीचर्स है उनको पता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितना पढ़ना होता है, क्या वेटेज होता है। जैसे यश सर की अगर बात करूँ, यश सर आईएससी वालों को पढ़ाता है, मैं भी आईएससी बैकग्राउंड से हूँ, तो उनको क्लियरली पता था कि आईएससी वालों को इतना इतना प्रेपरेशन है इस टाइप से बेस्ड ऑन द आईएससी पैटर्न, तो इनको मैं कैसे तैयार करवाऊँ। तो टीचर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी मैं ये बोलूंगा कि आप ये मत करके चलिए कि नीट के टॉपर 12 घंटे पढ़ता है, कोई एक टॉपर तो मुझे इतना पढ़ना है, या कोई एक और टॉपर कहता है कि मैं तो 4 घंटे पढ़ता था और बाकी टाइम मैं बिंज वॉचिंग करता था। तो आपको अब वो फॉलो कीजिए, आप बस ये देखिए जब आप इंटेंट करते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है एक दिन में, उसके लिए आपको जितना टाइम लगे आप उतना ही टाइम दीजिए। और सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ और काम भी कीजिए, वरना हाई चांस होता है कि आप सैचुरेट हो जाएंगे और आपका प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा। तो जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो बाद में, तो एक चीज़ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, प्रोग्रामिंग में टॉपिक आता है। तो टाइम को आपको डायनेमिकली एलोकेट करना है डिपेंडिंग ऑन आपको कितना ज़रूरत है। तो ऐसे आप कभी भी फिक्स मत कीजिए कि आपको कि पहले से आप फिक्स कर रहे हो कि इतना इतना करना है, ये ड्यूरेशन होंगे इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी हो सकता है कि आपको मैथ्स में किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम देना पड़े, 2 की जगह 3 घंटे देना पड़े, और जीटी में आपको 2 की जगह 1 घंटा देना पड़े उस दिन, तो वैसे आपका एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका एम होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपका जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए। अब जितना टाइम देना हो उसके लिए आप दीजिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली कि आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आपको प्लान आउट करनी है, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जैसे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्लास 11th एंड 12th में उनको जो डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्होंने, डेफिनेटली उसमें उनको कॉन्फिडेंस होता है, बट सब्जेक्ट्स लाइक जीटी एंड इंग्लिश जो बच्चे ने अभी तक क्लास 12th तक आज तक नहीं पढ़ा, तो उसके लिए कैसे बच्चा कोप अप करे? जीटी और इंग्लिश का क्या लेवल रहता है? कैसी तैयारी आपको लगी जो हमने करवाई, और क्या क्या चीजें आपको उसमें हेल्प करी, और किस तरीके से बच्चा उसकी तैयारी कर सकता है? लैंग्वेज पेपर के बारे में मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश देना कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो जो कि सेक्शन 1A के अंडर आता है, इंडियन लैंग्वेजेस। और उसके लिए अलग से मुझे प्रिपरेशन करना नहीं पड़ा था, क्योंकि आईएससी बैकग्राउंड से अगर आप होते हो तो आपका इंग्लिश बाय डिफॉल्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है।
मैंने बस प्रैक्टिस किया था टुवर्ड्स दी एंड टेस्ट सीरीज से जो महेश्वरी क्लासेस से मुझे मिला था। बाकी बोर्ड के टाइम में खुद को फाइनल टच देने के लिए लिटरेचर और लैंग्वेज में मैंने अनुरिता बख्शी मैम की गेस्ट पेपर और क्लासेस लिए थे एकदम लास्ट में आके, तो उससे मुझे जरूर मदद मिला था। और बाकी लेवल की अगर बात करूँ तो ये कैट लेवल की इंग्लिश नहीं है, क्वाइट इट इज क्वाइट सिंपल। अगर आप बोर्ड लेवल को ही कर लेते हो ठीक से तो हो जाएगा आपका। तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, आपका वोकेबिलिटी अगर अच्छा होगा तो आपको मदद मिलेगा, और आपका पेशेंस होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन है अगर आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन छूट जाए और फिर आप क्वेश्चन मार्क ना कर पाओ या गलत मार्क करके आ जाओ। तो पेशेंस की जरूरत है इस केस में। बाकी अगर आप सीबीएसई में भी पढ़ते हो वहां भी जो इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस विल कोइंसाइड, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका बांग्ला या हिंदी ये भाषा ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप उस भाषा में भी दे सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। फिर जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा वो काउंसलिंग पोर्टल ऑटोमेटिकली वही कंसिडर कर लेगा। तो लैंग्वेज को लेकर उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जीटी के बारे में आपने पूछा, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जीटी क्या है बिना प्रैक्टिस के मैं चला जाऊंगा ऐसे ही कर लूंगा, देखिए आप कर तो लोगे अगर आपको 4 घंटे टाइम मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने में, फिर आप जरूर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस का यही मतलब है कि आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों एक साथ बढ़ते रहे। अगर आप कोई भी कोचिंग के साथ जुड़ते हो तो उनको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, वो कवर कर देंगे इजिली। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो, और बाकी अगर इंडिविजुअल टॉपिक्स भी आपको पता चल जाए वो आप यूट्यूब में भी कर सकते हो या कोई भी किसी से भी कोचिंग में भी आप कर सकते हो, उतना कोई बात नहीं है। मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा और उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट टाइम जीटी में 50 मिनट मिला था हमें और हमें आउट ऑफ 60 45 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैंने शायद गड़बड़ की कुछ हिस्सा में, 50 मिनट पे 85 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े थे। हाँ क्योंकि 250 में होता है, आउट ऑफ 60 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। लास्ट टाइम ड्यू टू सम रीजन कठिन आ गया था पेपर, तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट में मेरे फुल मार्क्स भी आए थे जीटी में, और 2022 का पैटर्न था हमें 75 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो वो भी मैं 1 आवर में कर ले रहा था। लेकिन वहां पे फाइनली मैंने देखा मेरे पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, टाइम के लिए नहीं पर क्वेश्चन थोड़े कठिन थे और कुछ क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे थे, तो अराउंड 5 क्वेश्चन कम हुए थे मुझसे अटेम्प्ट, और मुझे लगा था कि गया सीन हो गया मेरा। पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो, अगर मुझे पेपर कठिन लगा है मतलब सबको कठिन लगा होगा और पेपर कठिन ही था। तो प्रैक्टिस का ये भी फायदा होता है, जैसे एक और नीट की टॉपर है उन्होंने भी कहा था ये चीज कि पेपर कठिन था तो 5 10 मिनट के लिए मैं स्टन हो गया था पेपर देख के कि ये क्या हो रहा है अचानक से, बट देन शी रियलाइज्ड इफ आई फाइंड द पेपर डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज दैट्स द लेवल ऑफ माय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि टॉपिक्स लाइक सिलॉजिज्म, टॉपिक लाइक वेन डायग्राम, टॉपिक्स लाइक रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने आज तक नहीं पढ़े, अरेंजमेंट्स होता है, डायरेक्शन सेंस होता है, क्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली इन सबको पहले आपको मास्टर करना पड़ेगा। मास्टर करने के लिए जैसे कि अभी तथा ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि आप यूट्यूब से भी कवर अप कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे भी मिलते हैं आपको, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो इस तरीके की तैयारी करा रही हैं, इस तरीके की चीजों की तैयारी करा रही है। तो पहले आपको बेसिकली उन चीजों को मास्टर करना है, और वंस यू मास्टर दैट आपको उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है, मॉक्स करने हैं, बिकॉज इट इज अ टाइम बेस्ड टेस्ट। सो देयरफॉर इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो आप विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सॉल्व तो हर बच्चा कर लेगा, 10th वाला बच्चा भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ी सी कोशिश करे। बट द की ओवर हेयर इज टाइम। सो इट इज रेस अगेंस्ट टाइम, सो यू हैव टू मैनेज द टाइम, और जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो इसमें हीरो है। तो इसको क्रैक करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है,
मतलब आदमी को 6 क्लास से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या 7 क्लास से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप लास्ट के 2 महीनों में भी आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशंस, अगर आप थोड़े से शार्प माइंडेड हो या आपका माइंड अच्छा वर्क करता है, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और प्रैक्टिस में लग सकते हो, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट इसमें पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अभी तथा ये तो बाकी आपने अगर बहुत मैं अच्छी ऐड बात बताई। करूं तो हाँ इसमें आपको ये स्टूडेंट को समझना होगा कुछ चीजें कि मेरा ब्रेन कितना स्ट्रांग है किस सब्जेक्ट में, मेरा ब्रेन कितना हैंडल कर पा रहा है, उसके अनुसार आपको डिसाइड करना होगा कि टाइम बोलिए एफर्ट बोलिए वो आपको वैसे एनालाइज करके करना होगा। और ये चीज तब आएगा जब आप स्कूल लेवल में अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो टाइम आपको मिला है वो आप यूज कीजिए अच्छे से। और मैं एक और चीज दावा के साथ बता देता हूँ, स्कूल में आप जो पढ़ते हो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको काम में आएंगे, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि डायरेक्ट कॉलेज में जाके देख लेंगे, क्योंकि फिर आपकी फट जाएगी। और स्पेशली अगर आप सीआईसी की तरह टॉप कॉलेज में आते हो और आपका बेस वीक रहता है, आपकी फट जाएगी यहाँ आके, ये गारंटेड है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो, जो वो बिल्कुल बेसिक्स है, वो बेसिक्स डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड ईयर में आते ही आते हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की, मुझे भी पता है कि मैंने फर्स्ट ईयर और फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में और 3 सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने 11th 12th अच्छे से पढ़ रखा था, तो इट वॉज अ केक वॉक फॉर मी। लेकिन जो बच्चों का 11th 12th बहुत वीक था, उनको हालत खराब हो गई थी वो पास करने में, बहुत सारी बैक्स लगती है फर्स्ट ईयर में, 3rd सेमेस्टर तक, 4th सेमेस्टर तक, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट। डेफिनेटली मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि मुझे आता था, मैंने पढ़ा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वो वहां पे जब अप्लाई करने को आ रहा था तो मेरे लिए काफी ईजी था। तो डेफिनेटली अगर आपके 12th के बेसिक्स मजबूत हैं तो वो आगे आपको जरूर काम आएंगे। अभी तथा कॉलेज का माहौल कैसा है? बिल्डिंग तो मैंने देखी, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त इंफ्रा है वहां का, तो कैसा है वहाँ का अंदर का माहौल, कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में, कितने बच्चों को एडमिशन मिला था सीआईसी में आपके बैच के साथ, और आपके सीनियर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, क्या टीचर्स मन लगा के पढ़ाते हैं जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या कोचिंग्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, या वो सरकारी वाला थोड़ा सा सिस्टम है कि आए तो आए नहीं आए नहीं आए, कैसा सिस्टम है आपके कॉलेज का? हाँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सेल्फ प्रमोशन कर लूँ, मेरे YouTube चैनल पे आप सब शॉर्ट वीडियोस और थोड़ा छोटे मोटे व्लॉग्स देख सकते हो अगर आपको देखना है कि अंदर का माहौल कैसा है। बाकी हमारा बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है ही। और सीनियर्स के बारे में जैसे मैंने बोला, हर कोई चाहता है कि वो कुछ करे जीवन में, ऐसे लोग नहीं है कि मतलब भगवान के भरोसे बैठे हैं, ऐसे लोग कम ही हैं या शायद नहीं है बिल्कुल भी। लोग कुछ करना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपना प्लेसमेंट सेल अभी तक नहीं है ऑफिशियली, तो यहाँ पे वो रश भी नहीं रहता जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 3rd या 4th ईयर में रहता है, कि यही जो एक फिक्स्ड पाथ है उसका हमें फॉलो करना है, फिर हमें प्लेसमेंट के लिए बैठना है, फिर हमें इंटरव्यू देना है, फिर हमारा जॉब लगेगा। यहाँ पे हम हट के सोच सकते हैं और चिल एनवायरनमेंट रहता है बहुत ही ज्यादा। और प्लस हमारे 8th सेमेस्टर में पूरा हमें इंटर्नशिप करना होता है, आइदर इंटर्नशिप या रिसर्च इंटर्नशिप या डिसर्टेशन, तो वहां से भी लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाता है कि जॉब कैसे लेना है, ऑफिस के एनवायरनमेंट कैसा होता है और कैसे हमें सब कुछ मैनेज करना है, बेसिकली कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। और पहले हमारे ये नियम था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो गैप है उसी में से हमें इंटर्नशिप कंपलसरी था हमारे लिए पहले, लेकिन एनईपी आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ है वो चीज़। हम इंटर्नशिप या डिसर्टेशन के जगह पे कोई स्किल एनहांसमेंट कोर्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसके मामले में, पर ये जो कोर्सेस है ड्यू में ये भी अच्छे हैं बहुत। अगर आप लिस्ट भी जाके देखते हो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। टीचर्स की अगर बात करें, सारे के सारे टीचर्स बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, जैसे कुछ टीचर्स तो फॉरेन से भी पीएचडी करके आए हैं, कुछ टीचर्स आईआईटी से पीएचडी करके आए हैं, और सारे टीचर्स एंथुजियास्टिक हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं। ज्यादातर टीचर्स, अगर इफ आई डोंट इंक्लूड ऑल ऑफ देम बट नेवर माइंड, और वो पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी कुछ डीयू कॉलेजेस के बारे में भी मैं सुनता हूँ कि टीचर्स आते नहीं, स्टूडेंट्स ने कभी किसी टीचर की शक्ल ही नहीं देखे, यहाँ पे ऐसे सीन नहीं है। यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस भी होते हैं, टीचर्स भी पढ़ाने की फुल कोशिश करते हैं। अब हाँ,
कुछ चीजें स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड शायद कर जाएगा कि कोई स्टूडेंट के साथ किस टीचर की कितना वाइब मैच हो सके। उस केस में स्टूडेंट को वैसे समझ के कुछ चीजें पहले से तैयारी करके आनी पड़ेगी क्लास में कुछ चीजों की, ताकि अच्छे से जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हो पाए। और इनफैक्ट अगर फैक्ट बताओ, जो ड्यू के जो बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था लास्ट ईयर डॉक्टर अश्विनी भादुरी, वो भी हमारे टीचर है सीआईसी में, तो आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर्स विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मोटा मोटा अगर बात करें तो। ओके सो आपने एक तो अपने चैनल के बारे में बताया कि आपने चैनल में जो है वो टूर दे रखा है अपने कॉलेज का। क्या नाम है आपके चैनल का? यूट्यूब पे कैसे सर्च कर सकते हैं हमारे बच्चे? मेरे नाम से ही चैनल है और अभी तथा रॉय के उसी नाम से आप से? सर्च कर पाओगे। हाँ ओके सो अभी तथा रॉय के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इनके चैनल पे। आप देख सकते हो कि सीआईसी का इंफ्रा कैसा है, अंदर कैसी लाइफ है, कैसे ये लोग चिल आउट करते हैं एंड सारी चीजें। अच्छा, आपने सारी चीजें बहुत अच्छी बताई। एक चीज आपने ऐसी बता दी जिससे ज्यादातर बच्चों का दिल टूट गया होगा, या वो बच्चे फिर से एक बार सोचेंगे कि क्या हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और वो आपने जो चीज बोली वो बोली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल आपके कॉलेज में नहीं है। तो अगर बहुत सारे बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं वो बीटेक इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनके बड़े बड़े पैकेजेस लगे। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहता मुझे 50,000 की नौकरी से शुरू करना, सब कहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज से स्टार्ट करने को मिले तब मजा है जिंदगी में। ऐसा हर बच्चा चाहता है, मतलब दिस इज एक आइडियल सिचुएशन जो बच्चा चाहता है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है वो तो समय बताता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल नहीं है आपके कॉलेज में तो आपने एडमिशन क्यों लिया, या कोई जैसे बच्चा एडमिशन हमारे क्यों ले? हाँ हम प्लेसमेंट के बारे में बात भी कम ही करते हैं टेक्निकली, अगर सच बताओ तो उतना भी सोचता नहीं यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए ही जाना चाहते हैं, और यहाँ पे हायर स्टडीज मतलब बहुत सारे लोग विदेश को एम करके ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, और ये फर्स्ट ईयर से ही ये बेस जो है ये बन जाता है। बाकी भारत में भी जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उनको भी लोग टारगेट करते हैं, और उनके साथ साथ जो प्लेसमेंट या नौकरी ओरिएंटेड प्रेपरेशन है, स्किल डेवलप करना, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, उनका तैयारी करते हैं एज अ बैकअप, ताकि वो ना हो तो नौकरी तो मिल ही जाएगा। और हमारे एलुमनाई बेस जो है वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जस्ट इन अबाउट 10 ईयर्स पूरे दुनिया में हमारे एलुमनाई फैले हुए हैं, उनके रिकमेंडेशन से भी किसी को नौकरी इजीली मिल सकता है। किसी को रिसर्च प्रपोजल के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए या हायर एडुकेशन के लिए चाहिए, तो हमारे टीचर्स हमेशा है उसके लिए, हमें हेल्प करने के लिए या गाइड करने के लिए। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो मांगते हैं कि आपको पब्लिकेशन दिखाना होगा, आपने कितने अंडर ग्रेजुएट रिसर्च पब्लिकेशन की है अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो। तो हमारे यहाँ ये भी एनवायरनमेंट है, आप टीचर्स के अंडर प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो या रिसर्च इंटर्न कर सकते हो हमारे टीचर्स के अंडर भी, या किसी और इंस्टीट्यूट के टीचर्स के अंडर भी, तो वो एडवांटेज भी मिलता है। और बाकी 4 साल में जैसे प्रेपरेशन हम करते हैं, और क्योंकि जैसे मैंने कहा इंटर्नशिप के बारे में, जो ईयर के बीच में ब्रेक होता है उस टाइम पे भी हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, और 8th सेमेस्टर में तो पूरा इंटर्नशिप करना या डिसर्टेशन लिखना कंपलसरी है हमारे लिए। तो अगर किसी को जॉब मार्केट टारगेट करना है, उस 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको जितना एक्सपोजर मिलेगा उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो कोई अच्छा जॉब क्रैक कर ले। तो प्लेसमेंट से नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत होता है नौकरी मिलना, या हायर स्टडीज इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन हाँ हमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हायर स्टडीज करें, ये भी फैक्ट है। बाकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप तब भी चाहते हो कि नहीं हमें ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलना है जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है, फिर देन यू माइट बी वांटिंग टू चूज समथिंग एल्स, यू माइट बी वांटिंग टू चूज दिल्ली यूनिवर्सिटीज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे नए बीटेक कोर्सेज चालू हुए हैं, वो है एकदम जेनेरिक इंजीनियरिंग कोर्स जिसको हम कहते हैं। सीआईसी का कोर्स स्ट्रक्चर भी अगर आप देखते हो वो भी थोड़ा अलग है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के साथ मैथमेटिक्स को भी बहुत महत्व दिया जाता है, रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स भी हमें पढ़ाया जाएगा इन द 4 ईयर्स, और उसके साथ
माइनर भी चूज कर सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट। जैसे माइनर में तीन ऑप्शंस है हमारे पास, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर, एक है मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स इनके ऊपर, और एक है सिस्टम्स बायोलॉजी के ऊपर, जो कि बायोलॉजी को पढ़ने का और रिसर्च करने का एक अलग कह सकते अलग अप्रोच है, थोड़ा हटके फ्रॉम द जेनेरिक अप्रोच विच वी हैव। तो ये भी ऑप्शन हमें मिलता है। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है ये भी यूनिक है। और बाकी प्रिंसिपल की अगर बात करें, जॉब सीकर्स बनाने के लिए बना है नहीं सीआईसी, लेकिन अगर आप आते हो आपको मिल जाएगा, अगर आप ठीक से काम करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, देन यू माइट वांट टू चूज समथिंग एल्स व्हिच सूट्स योर प्रायोरिटीज। ओके प्लस इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, चाहे वह अमेजोन है या गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, ये सारे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें अभी अगर आप चेक करो तो डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती है जिसमें वो कोई क्राइटेरिया नहीं डालते हैं कि यू शुड बी ए बीटेक, यू शुड बी ए बीए, यू शुड बी ए बीकॉम। बस उनके जो एग्जाम्स हैं आप उनको क्लियर कर पाओ, तो उनका एक टेक्निकल एग्जाम होता है, वो टेक्निकल एग्जाम क्लियर कर पाओ। बहुत ही कम 6-7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, वो आपको इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, और अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आपको 1 CR, 2 CR, 3 CR, व्हाटएवर CR के पैकेजेस वहां पे डायरेक्टली मिल जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके इस कॉलेज से पास आउट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या किया है क्लास 12 के बाद। बस 18 साल के ऊपर होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया दे हैव। फिर उसके बाद अगर आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपको जॉब देंगे। तो ये टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स CIC में जाके आप अपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपस्किल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो, एंड देन दीज स्किल्स विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ, एंड आपके प्लेसमेंट में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। मैंने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, मुझे भी पता है कि किस तरीके की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कराई जाती है, और फिर उसके बाद कितना ज्यादा गैप रहता है जो पढ़ाई आपको कराई गई है और जो डिमांड है मार्केट में। वो गैप की वजह से ही बहुत सारे कॉलेजेस से प्लेसमेंट्स नहीं लगते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को प्लेसमेंट के लिए दिक्कत आता है, प्लेसमेंट लगते हैं लेकिन फेक प्लेसमेंट्स होते हैं बहुत बार। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेसमेंट लगने के बाद बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है वहां पे, क्योंकि आपने ABCD पढ़ी है, आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ी है और वहां पे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो। तो एज अ रिजल्ट वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, और अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, टेक्निकली साउंड हो, तो डेफिनेटली फिर आपको जो मार्केट में जो डिमांड है उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका डिमांड रहेगा ही रहेगा। अगर आप हीरा हो तो हर आदमी हीरे को ढूंढते हुए आएगा और उस हीरे की सही वैल्यू लगाएगा। सो दैट इज हाउ इट गोज। इसके लिए वही बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में। करेक्ट, आपको आप ये प्रेशर झेलना पकड़ के नहीं पड़ेगा। चल हाँ अब ये पकड़ के नहीं चल सकते कि आप मटरगश्ती करेंगे पूरे टाइम। लास्ट में आप थोड़ा DSA पढ़ लेंगे, कोई एक लैंग्वेज को पढ़ लेंगे, थोड़ा डेटाबेस पढ़ लेंगे और आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ये नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बात है। डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी और जिंदगी भर मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी उसका, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को डायमंड की तरह प्रूफ करना पड़ेगा। डायमंड भी डायमंड तब बनता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर झेलना पड़ेगा और उस प्रेशर को झेल के ही आप डायमंड बनोगे, और जब आप डायमंड बनोगे तो फिर उसकी एक वैल्यू होगी, तो आपकी भी वैल्यू होगी। बहुत बढ़िया। अभी तथा जी ये बताइए कि आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी पेपर दिया था और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गया था, आई थिंक WBJEE का पेपर आपने दिया था, तो वहां हाँ पे WBJEE की आपने प्रिपरेशन कैसे की? बहुत सारे वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बच्चे कनेक्ट रहते हैं, कोलकाता के स्पेशली और उधर के एरिया के, तो वो WBJEE के लिए भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके की प्रिपरेशन है। और हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि अभी हम WBJEE का एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, जैसे CUET IPMAT का क्रैश कोर्स लाए हैं, वैसे WBJEE का भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे इस साल बच्चों के लिए। तो क्या प्रिपरेशन होती है, कैसी प्रिपरेशन होती है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और WBJEE से आपको कौन सा कॉलेज मिला था और उस कॉलेज में आपने एडमिशन क्यों लिया, CIC क्यों चूज किया? हाँ देखिए, मेरा बात अगर बताओ, मैंने WBJEE के लिए अलग से प्रेपरेशन नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने साइडलाइन कर दिया था उस समय ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैंने बोर्ड ओरिएंटेड किया था प्रेपरेशन। जब WBJEE हुआ था, देन इट वॉज 1 month into CUET क्रैश कोर्स। तो मैंने देखा है पेपर,
कैसा होता है, और उसके पहले भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। मुझे जेई मेन से कठिन लगा था, WBJE का लेवल, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि वहां पे मैथ्स का ही 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 100 out of 200 मार्क्स कवर हो जाते हैं, और सिलेबस सेम रहता है जेई मेन जैसा ही, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वेटेज क्या है, कौन से टॉपिक्स की, कि अगर आप सोचते हो कि आप लास्ट मोमेंट में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे आपकी प्रेपरेशन को, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, फिर आप वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाए। तो जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जैसे चैप्टर हो गए, फिर 2D ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स हो गए, इनके वेटेज मैथ्स में हाई होता है, तो वो आपको फिर वैसे एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो जाएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तब भी आपको एज एक मिलेगा, और अगर आपका ब्रेन थोड़ा भी फास्ट है फिर आप कम प्रिपरेशन से भी कर सकते हो चीजें, पर वो स्पेशल केस हो जाता है, तो उसको हम जनरल केस करके नहीं पकड़ सकते। और WBJE के माध्यम से जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ मिल सकता था मुझे, जैसे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इनमें मुझे लोअर ब्रांचेस मिल जाते, और फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान, फिर कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इनमें मुझे कंप्यूटर आईटी जैसे ब्रांचेस भी मिल जाते, और प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे मेरे प्रेफर्ड ब्रांचेस मिल जाते ओवरऑल। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है। नंबर वन रीजन, सबका एक सपना होता है कि उनके नाम के साथ कोई अच्छा टैग जुड़े, कि अच्छे कॉलेज की, जो उनको बाद में जाकर मदद करेगा और उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ये था नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, CIC की करिकुलम तो मुझे अट्रैक्ट बहुत पहले से ही करके रखा था, उनका जो करिकुलम है, और मैं ये नहीं चाहता था कि अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके वही जो कन्वेंशनल रूट है प्रेपरेशन की, फिर प्लेसमेंट और इंटरव्यू की तैयारी करने की, और फिर नौकरी लेने की जस्ट आफ्टर बीटेक, मैं नहीं चाहता था कि मैं लिमिट कर दूं खुद को बस उतने ही ऑप्शंस में, क्योंकि एक फैक्ट अगर मैं बताऊं भी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप AI और ML में स्पेशलाइज करना चाहते हो, उसकी पढ़ाई आप कर रहे हो, और आपका जो ब्रांच है किसी प्राइवेट कॉलेज में अंडर मकआउट, उसमें भी आपका ब्रांच है CSE विद स्पेशलाइजेशन इन AI ML, लेकिन क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज है और इट इज नॉट अ टायर वन प्राइवेट कॉलेज जैसे VIT हुआ, MIT हुआ और शिव नादर यूनिवर्सिटी हुआ, तो आपको जो जॉब मिलेगा वो भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही मिलेगा। आप एंटर करोगे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर आप बनेंगे सिस्टम इंजीनियर, तो नो मैटर क्या आप पढ़ते हो, डायरेक्ट आपको उस फील्ड में जाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, वहां भी आपको ऑफ कैंपस में ही ट्राई करना होता है अगर आप किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहो। और जैसे इन सारे कॉलेजेस में अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहो या रिसर्च के लिए जाना चाहो, वो वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेसिक जो यहाँ पे फिलोसॉफी होता है वे यही होता है कि बीटेक के बाद हमें नौकरी लेनी है जितना अच्छा हो सके। तो इन चीजों को देखते हुए मेरे लिए CIC वॉज अ बेटर ऑप्शन, और इसीलिए आई लेफ्ट माई WBJE ऑप्शन एंड आई केम हियर। जैसे WBJE का सीट अलॉटमेंट जिस दिन हुआ था, एक हफ्ते का ब्रैकेट होता है कि इसमें आप जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आप दे दीजिए और फिर आप आ जाइए कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए। मैं वेट किया, उसके अगले दिन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट आया और राउंड वन में मेरा अलॉटमेंट हो गया CIC में, और फिर मैंने कहा कि नहीं पैसा देना ही नहीं है इनको, CIC हो चुका है मेरा। दैट वॉज द स्टोरी। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, CIT की फीस कितनी है? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि इसकी फीस कितनी है। आप अभी कितनी हॉस्टल फीस दे रहे हो, कितनी ट्यूशन फीस दे रहे हो, इन ऑल 4 साल में अराउंड कितना पैसा लगेगा आपके पेरेंट्स का?
हाँ, तो ट्यूशन फीस एट दिस मोमेंट जो है वो है 40,000 पर एनम। पहले बहुत ही कम था, पर रिसेंटली फी हाइक हुए है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही बहुत। पर फिर अभी तब भी ये कम ही है अगर हम देखें तो। 40,000 पर एनम इज वेरी मच अफोर्डेबल बहुत सारे लोगों के लिए। और डीयू में हॉस्टल की एक सिचुएशन है कि आपको इजीली मिल नहीं पाता है। अगर आप एकदम टॉपर बंदे नहीं होते हो तो आपको आइदर फ्लैट लेना होता है, या रूम लेना होता है, या पीजी लेना होता है। और अगर आप पीजी के लिए जाते हो तो आपको महीने के 7-8 हज़ार विथ रेंट एंड फूड एंड एवरीथिंग, जी वो वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे। और अगर आप ज्यादा लग्जरी चाहते हो तो वो 30,000 तक भी जा सकता है। तो आप अपने बजट के अनुसार सेट कर सकते हो आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे जेंडर रेशियो का थोड़ा हाल खराब है, तो लड़की के संख्या थोड़ा कम है, तो लड़कियों को हॉस्टल मिल जाते हैं। और लड़कियों का अलॉटमेंट होता है अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स में। इनके जो फीस है वो है 80,000 फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी रहती है समर वेकेशन। तो हॉस्टल में आप पकड़ के चल सकते हैं 80,000 to 1 लाख पर ईयर, इतना आपको पड़ जाएगा। और पीजी का तो आप वैसे एनालाइज करके कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर बजट। तो उसका मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो जो ट्यूशन फीस है 40,000 पर ईयर, दैट इज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,60,000 टोटल ट्यूशन फीस लग रही है आपकी, टोटल पढ़ाई है 4 साल की, बीटेक 1,60,000 में हो जाएगी। देन अगर आप 1 लाख भी मोटा मोटा पकड़ के चलते हो कि 1 लाख रुपीज आप रहोगे, खाना खाओगे, वो आप अगर अपने शहर में भी रहोगे तो भी आप डेफिनेटली खाना तो खाओगे, बाहर घूमने जाओगे, कॉलेज तक जाओगे, डीजल लगाओगे, पेट्रोल लगाओगे, तो 1 लाख के आसपास आपके घर पे भी अगर आप रह रहे होगे तो भी वो 1 लाख के आसपास खर्चा आएगा ही आएगा आपका 1 साल का, तो 4 साल का खर्चा हो गया 4 लाख। सो 4 लाख + 160 इज 560, 5,60,000 में आपका बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी CIC एक बड़े टैग के साथ हो जाएगा। और डेफिनेटली आप जो चीजें सीख रहे होगे, जो चीजें आपको वहां सीखने को मिलेंगी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी, आउट ऑफ द बॉक्स होंगी, और उसके लिए 5,60,000 लगाना आई थिंक इज मच 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 वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा ही अच्छा है वो। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात बहुत सारे लोग करते हैं, तो ROI यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा आपको, अगर ROI की आप बात करोगे तो, अगर कॉमर्स वाले बच्चों की तरह और सोचते हो इसके तो। साथ साथ अगर आप ज्यादा भी खर्च करते हो, जैसे 1 लाख की जगह आप 2 लाख भी खर्च कर रहे हो रहने खाने के लिए, घूमने के लिए, 1 साल में, आप यहाँ CIC में इंटर्नशिप तो करोगे, रिसर्च इंटर्नशिप हो या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, वहां से भी आप कुछ ना कुछ कमाओगे। तो वहां से भी आपके जो पैसे है वो माइनस होता रहेगा, तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। राइट राइट, इंटर्नशिप में जो आप पैसे कमा रहे हो वो भी आपका पैसा वापस ही, मतलब आप सेव कर रहे हो एक तरीके से, तो वो पैसा माइनस हो जाएगा डेफिनेटली 560 में से। ग्रेट, तो अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो ISC के बच्चों के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी बता सकते हो, या क्या एक चीट कोड बता सकते हो, क्या व्हाट शुड दे डू नाउ एज ऑफ नाउ? 12 फरवरी से उनके पहले बोर्ड एग्जामिनेशन है, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, और तो अभी तथा बीइंग एन ISC स्टूडेंट, क्लास 12th आपने पास आउट किया, क्या बताओगे ISC वाले बच्चों को क्या करें क्लास 12th में, अब लास्ट में, सो दैट परसेंटेज अच्छी हो जाए और अच्छा परसेंट बन जाए? लास्ट मोमेंट में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, क्योंकि अभी आप ज्यादा एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, टाइम नहीं बचा है। इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रिपरेशन कैसा है, तो आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, और आपको उनको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कोचिंग के साथ जुड़ते हो तो वो भी आपको इसमें गाइड कर पाएंगे। अगर आप माहेश्वरी क्लासेस के साथ जुड़ते हो तो यस सर एंड टीम वो गेस्ट पेपर बनाते हैं, और उनको अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको मदद मिलेगा। तो नंबर 1 स्ट्रैटेजी ये है, और नंबर 2 स्ट्रैटेजी है कि वही चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाए, और एग्जाम में जाके आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप क्वेश्चन को देखो और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर पाओ। तो ये दोनों टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो तो हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है, सिर्फ रट्टा मार के जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस क्वेश्चन में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वही क्वेश्चन वो लोग छाप देंगे फिर से। तो आपको समझने की कोशिश करना है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको दिमाग में रखना है, फिर आपको जरूर बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा ISC में। क्या बात है, अभी तो बिल्कुल सही बताया आपने,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं लास्ट में। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो डेफिनेटली हेल्प करेगा रादर देन हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो साल भर जिसने किया है उसको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर नहीं कर पाए हैं कुछ सिचुएशन के बेसिस पे या कुछ आपकी प्रिपरेशन के बेसिस पे, तो डेफिनेटली लास्ट में आप स्मार्ट वर्क करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। सो अभी तथा जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत सारा समय आपका लिया, आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होगी और काफी ज्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, वो मुझे समझ में आता है आपके उससे। तो अभी तथा जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके सीआईसी के अंदर बाहर क्या चलता है, कैसे क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। तो इनके चैनल को एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा, और बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, तुम लोग का भाई है बड़ा भाई, तो काम आएगा तुम लोग के लिए भी आगे के लिए। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सीआईसी, रिलेटेड टू सीयूईटी, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो हमारा जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर 9871944522 कनिका मैम का, आप उस पर कॉल करके अपने और इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इनसाइट्स चेकआउट कर सकते हो। और हमारे अभी सीयूईटी के क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है बोर्ड्स के बाद 1 अप्रैल से, जैसा लास्ट ईयर अभी तथा जी ने जिसमें एनरोल किया था वही सेम कोर्स इस साल के बच्चों के लिए भी आएगा 1 अप्रैल से, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी हमारे बैचेस चल रहे थे वीकेंड बैचेस, बट अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि 12th से आपके बोर्ड्स भी हैं, बोर्ड्स के लिए अभी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अप्रैल के बाद, अप्रैल से जो तैयारी शुरू होगी, अगर आप उसमें भी करोगे तैयारी तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अभी तथा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जिन्होंने 12th तक कॉन्सेंट्रेट किया अपनी 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट पे, एंड देन उसके बाद 2 महीने में इन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके टाइम मैनेजमेंट करके सारे के सारे पेपर सीयूईटी के जितने भी पेपर्स थे वो पेपर्स अच्छे से निकाले, और आज ये एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में है, प्रीमियम कॉलेजेस में इंडिया के में है, पढ़ रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी अरेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं आएगा, आपको हर चीज में अच्छा होना पड़ेगा। यू शुड एक्सेल इन ईच एंड एवरी थिंग, यू शुड डू ऑल द थिंग्स वेल। तो हर चीज सीखनी है, हर चीज करनी है, और अपना पर्सनल जिंदगी में भी अपनी क्या कहते हैं उसे, जैसे रीड करके या स्किल्स डेवलप करनी है, और पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करनी ही करनी है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखना है, सबका नाम रोशन करना है। सो अभी तथा एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, कुछ अगर छूट गया हो लास्ट में? हाँ सर, जैसे एक चीज पर अगर ऐड करूँ, हमें टीचर्स और सीनियर्स के द्वारा एक चीज हमें सिखाया गया है सीआईसी में, जैसे एक कॉमन फ्रेज है जिसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हमें ये कहा गया है कि यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड बी द मास्टर ऑफ वन, एंड इफ पॉसिबल मास्टर ऑफ मोर देन वन। तो नाइदर कैन यू बी जस्ट द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ None. वैसे दिस इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग अ मास्टर ऑफ वन एंड बीइंग बैड एट एवरी अदर थिंग। पर कोशिश ये करना होगा कि आप जो भी करते हो मल्टीपल चीजों में आपका थोड़ा बहुत प्रोफिशिएंसी रहे, और फिर वन और मोर फील्ड्स में आप एकदम एक्सपर्ट बन पाओ। और बाकी व्यूअर्स में से जो भी लोग तुम आओगे अगले साल सीआईसी में, फिर हम मिलेंगे सीआईसी में जरूर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। हाँ भाई, आपको रैगिंग से बचाएगा, और भाई रैगिंग बिल्कुल भी नहीं लेगा, थोड़ी बहुत ले लेगा तो भाई ले लेगा, क्योंकि भाई भाई है तो थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब नॉट रैगिंग बट हाँ इंट्रो दो अठन्नी चवन्नी से। तुम्हारे में ऐसा कुछ हुआ था जैसे हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे तो हमको लाइन बना के ट्रेन बनाया था, आगे वाले को इंजन बनाया था, कू छुक 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 करके हम लोग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहे थे, और थुमके लगाने थे, अठन्नी पे लेफ्ट जाना था, चवन्नी पे राइट जाना था, मतलब किया, काफी मजा आया। इट वॉज नॉट रैगिंग वैसी गंदी वाली रैगिंग, बट हाँ उससे एक सीनियर्स के साथ बॉन्ड अलग बनता है, एक अच्छा बना, मतलब एक मुझे तो हेल्दी लगा, मुझे अच्छा लगा, इंट्रो पूछते थे बहुत मजा आता था उसमें, दूसरों को देखने में बहुत मजा आता था दूसरों के साथ। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या यहाँ पे? अब ये ऑन हमारे यहाँ कैमरा नहीं ऐसा बोल कुछ सकते, ऐसा भी कुछ है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो इंट्रोडक्टरी सेशंस हुए थे वो भी एकदम जैसे किसी दोस्त के साथ बात करने में जैसा होगा वैसा ही था, बिल्कुल भी। तो रैगिंग जीरो पूरी तरह से। क्या बात है, मतलब बड़े भाई आए हैं, बड़े भाई छोटे भाइयों को लेके जा रहे हैं कि चलो तुमको बताते हैं फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई होती है, क्या पढ़ना है, कैसे हेल्प कर सकते बिल्कुल हैं, हाँ, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, नोट्स ले लो अभी तुम्हारे काम आएंगे।
राइट राइट राइट. चलिए, थैंक यू सो मच अभिताथा जी फॉर शेयरिंग ऑल दीज वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस, एंड होप वी विल बी कमिंग बैक विद सम मोर न्यूज, विद मोर वीडियोस लाइक दिस. तो जिन बच्चों को भी और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके प्लीज बताइए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए सीआईसी से रिलेटेड या सीयूईटी से रिलेटेड, वी आर ऑलवेज नियर फॉर यू. थैंक यू सो मच अभिताथा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय. थैंक यू.